Hello everyone, myself Mansi Nihal Chindani. Today we will continue our second chapter, part 2. In the previous video, I taught you that how the people in the ancient time used to live the nomadic life. Okay, people Purane Zamane mein nomadic life jeete the. Nomadic means the people of the ancient time used to travel from one place to another in search of food and shelter. लेकिन धीरे धीरे जैसे उनका डेवलपमेंट होने लगा, ग्रोथ होने लगा, एनवायरमेंट में चेंजेस आने लगे, तो दे स्टार्टेड टू लिव द सेटल लाइफ. ओके, तो वो चीज़ कैसे डेवलप हुई, कैसे उसका ग्रोथ हुआ, तो वो अब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन अवर फर्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 8, चेंजिंग एनवायरमेंट. अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड चेंज इन द एटमोस्फियर ऑफ द वर्ल्ड. Due to increase in temperature, vegetation and grass field started growing in many areas of the world. About 12,000 years ago, 12,000 साल पहले temperature में development होने लगा, means temperature increase होने लगा, जिसकी वजह से vegetation मतलब plants, grass इन सब की growth होने लगी, जिसकी वजह से man ने development किया. कैसे, वो अब देखेंगे हम लोग. As a result, number of grass eating animals, for example herbivores like deer, sheep, गोट एक्सेट्रा इंक्रीज. अगर वेजिटेशन की ग्रोथ होगी तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, जो हार्बीवरस एनिमल्स है, उनकी भी ग्रोथ साथ साथ में होगी. राइट, प्रिमिटिव मैन सर्टेनली गॉट बेनिफिट्स ऑफ इट. दे स्टार्टेड स्टडिंग दिस एनिमल्स बिहेवियर एंड थस देयर मेंटल डेवलपमेंट स्टार्टेड. जैसे जैसे हार्बीवरस एनिमल्स की ग्रोथ होने लगी, तो ह्यूमन ने एनिमल्स को और वेजिटेशन को, मीन्स प्लांट्स को भी, दैट मीन्स बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स को डीपली स्टडी किया और उनके बारे में और भी जाना, और इस तरीके से उसने अपनी लाइफ को डेवलप करने की कोशिश की. दे केम इन कॉन्टेक्ट विद द ग्रास, ट्रीज, वेजिटेशन एज वेल एज वीट, बार्ली एंड अदर ग्रेन्स ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज. जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, एनवायरमेंट चेंज हुआ, तो वेजिटेशन भी डेवलप होने लगा, और जो ग्रेन्स है जैसे कि वीट है, बार्ली है, ये सब जो है वो भी साथ साथ में इनकी भी ग्रोथ होने लगी. बाई यूजिंग स्टोन्स, वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन कलेक्टेड ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ द स्टोन्स. द पीपल स्टार्टेड यूजिंग कलेक्टिंग द स्टोन्स. पीपल ऑफ दिस क्यूरियस इंस्टिंक्ट स्लोली एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन इंडिया. तो इस तरीके से एग्रीकल्चर की भी शुरुआत हो चुकी थी हमारे इंडिया में. कैसे हुई थी कि इनिशियली आई टोल्ड यू दैट दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट देन आफ्टर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, जैसे जैसे वेजिटेशन की ग्रोथ हुई है एंड आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, they started to do the agriculture in India. People started using stones to grow grains. They started growing the grains near the bank of the river and constructed their houses made of mud, thatch and other materials in nearby areas. Then after, people used to reside in the on the bank of the river, means river ke kinare rehte the, for their proper development, because they used to get all the materials like stone, like water, very easily from there. Okay, then after, they also started building the houses. Which kind of houses? The houses which were made of the mud, thatch and like other kaccha materials. So that house is called the kaccha house. Okay, as a result of it, their nomadic life came to an end and started a settled life. इस तरीके से उन लोगों ने कच्चा हाउस बनाना स्टार्ट किया और वो उसमें रहने लगे, तो उन लोगों ने नोमैडिक लाइफ छोड़ दी. नाउ दे यूज टू लिव द सेटल लाइफ, मींस एक जगह पे ही रहते थे और वहां पे ही अपना गुजारा करते थे. द फर्स्ट कंपेनियन फ्रेंड ऑफ द सेटल लाइफ वॉज अ डॉग. एनिमल सॉरी ह्यूमन का फर्स्ट कंपेनियन कौन था, फर्स्ट फ्रेंड कौन था, डॉग. बिसाइड्स ही वॉज ऑल्सो फेमिलियर विद द शिप, गोट, काउ, बफेलो, पिग एक्सेट्रा. अलॉन्ग विद द डॉग, वो कौन से एनिमल्स के साथ वो फैमिलियर होने लगे, शिप, काउ, गोट, बफेलो, काउ एक्सेट्रा. ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एडजस्टिंग विद देम टू. दिस एनिमल्स प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड दिस एनिमल्स ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द अदर वाइल्ड एनिमल्स ऑफ द जंगल. थस दे एसोसिएटेड विद एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो अलॉन्ग विद द फार्मिंग. सो दे ऑल्सो स्टार्टेड टू डू द एनिमल हस्बेंड्री अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर, अलॉन्ग विद द फार्मिंग. However, research is being carried out to find out how long he had been using animals to get milk. उसके बाद animals से कैसे milk obtain करना है और कैसे other materials obtain करने हैं, this all development started thereafter.
Now let's move on to the page number 9, settled life, food, shelter and clothing. Early life and the pastoral activity transformed the primitive man life into settled life. We know that agricultural land cannot be left out because it takes some time for crops to grow. It needs water and crops have to be harvested when grains are ready. आपको मालूम है कि हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड पे क्या करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं. एंड द एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी लेफ्ट आउट एंड वी हैव टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स ऑन द लैंड ऑन द एरिया ऑफ ऑन द लैंड ऑफ फार्मिंग. दिस प्रोसेस लेड टू द बिगनिंग ऑफ सेटल लाइफ इन इंडिया. इस तरीके से हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर फार्मिंग डेवलप हुआ. ही ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग अर्थन पॉट्स फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. धीरे धीरे करके आफ्टर सम टाइम मैन ने क्या किया, अर्थन पॉट बनाना स्टार्ट किया एंड दे यूज टू स्टोर द ग्रेन्स इन द अर्थन पॉट. एज द वंडरिंग लाइफ केम टू एन एंड देर वॉज अ वाइड स्प्रेड चेंज इन द फूड हैबिट्स क्लोथ्स एंड शेल्टर. अब जो वंडरिंग मीन्स जो नोमैडिक लाइफ थी, नोमैडिक मीन्स दे यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे डोंट हैव द सेटल लाइफ. बट आफ्टर सम टाइम आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेशन, increase in the temperature, after development of the other things, the people started to live the settled life and with that they also started to change their habit in the food style, in the eating style and in the clothing style, etc. Along with the wheat, barley, meat, they started eating fish and fruits found near their settlement. Along with the grains, they also started using eating the fish and other grains. He lived in houses made up of mud, thatch and other such materials. Then after he used to build the houses which were made of the mud and the thatch, means these all were known as the kacha house, because mud se to kacha house hi banega, so they started to live in that house. He did agriculture, dheere dheere karke wo agriculture bhi develop karne laga. He made farming implements of stone which include the spade, chisel and sickle. These were the instruments. Which were the instruments? The spade, chisel and sickle. These were the instruments which were used for the farming. Then after, we can get the information about the human settlement and cattle rearing from places like Bhujhom, Gufkal, Hurangi, Mehargarh, Langhanj and Bhimbetka, which were discovered by our archaeologists. धीरे धीरे ह्यूमन सेटलमेंट का डेवलप किन किन प्लेस में होने लगा वो आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिख रहा होगा, लाइक मेहरगढ़, उरंगी, बुरझोम. दिस आर द प्लेसेस द ह्यूमंस डेवलप देयर हैबिट्स लाइक फूड, क्लोथिंग स्टाइल एक्सेट्रा. फ्रॉम प्लेसेस सच एज मेहरगढ़ एंड इनाम गांव वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाउसेस एंड फार्मिंग. द प्लेसेस लाइक मेहरगढ़ एंड इनाम गांव वी कैन गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फार्मिंग, दैट हाउ पीपल यूज टू कंडक्ट द फार्मिंग ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम. After development, they used to grow grains like barley and bajra. And what grains they used to develop? What grains they used to grow? Bajra and barley. Sharp stone implements have been found from the places like Mehargarh and the Inanga. And the tools, implements का मतलब जो agriculture के लिए जो tools use करते हैं, जो implements use करते हैं, that tools were also found from the places like Mehargarh and Inanga. This might have been used for farming. तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं. We can assume from that these tools, the people used to carry the farming activities with the help of these tools during ancient time. Okay? Now next paragraph. Mehargarh may be considered to be the oldest village of ancient India. Which place is considered as a very ancient place, a very ancient village? Mehargarh. You see Mehargarh in the map. Farming of the barley and the wheat started from here. At which place the farming activities of the wheat and the barley were started? From Mehargarh. They reared sheep and goat. They did farming and stored grains. Means the people of Mehargarh also used to rear the animals like sheep and goat, and they also used to carry out the farming activities along with that. Bones of the animals have also been found from here. They lived in the rectangular houses. Small barns have also been found in these houses. What
दे यूज टू फाइंड फ्रॉम देयर बोन्स ऑफ एनिमल्स. बोन्स ऑफ एनिमल्स आज भी हमको वहाँ से देखने को मिलते हैं. और वो कौन से किस टाइप के हाउस में रहते थे, दे यूज टू लिव इन द रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ हाउसेज. अकॉर्डिंग टू द एविडेंसेज फाउंड इन द मेहरगढ़, दे ऑनर द डेड बाय बरिंग देम. मैनी सच एविडेंसेज हैव बीन फाउंड फ्रॉम हियर. एविडेंसेज हैव बीन फाउंड एट वन प्लेस दैट गोट वॉज ऑल्सो बरीड अलॉन्ग विद द मैन. हमको क्या एविडेंस, एविडेंस का मतलब क्या प्रूफ देखने को मिलते हैं कि जो हमको बोन्स ऑफ गोट, जो गोट के जो बोन्स है अगर वो हम देखेंगे तो वो बरी करे और हमको मिलेंगे. बरी मीन्स दफना देते हैं उनको लैंड के नीचे. तो हमको क्या देखने को मिलता है कि अलॉन्ग विद द मैन द डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो वेयर यूज टू बरीड ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम. ओके, तो विच एग्जाम्पल विच द एनिमल ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ विच एनिमल हैज बीन गिवन हियर, द गोट. ओके, दिस सजेस्ट दैट believe that life, there is a life after death also. और इससे हमको क्या मालूम पड़ता है कि death के बाद भी life होती है. In the same way, a place named Inamgaon has been found in the Maharashtra, from where remains of dead bodies of the children have been found. Okay? तो जैसे हमने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा अभी कि the dead bodies of the animals like goat and the men were used to bury during the ancient time, that today we are doing. In the same way, in the Maharashtra, there is a place named Inamgaon. वहाँ पे भी क्या किया जाता था, वहाँ भी dead bodies of the children were also found. They lived in the round shaped houses. और यहाँ पे लोग किस टाइप के houses में रहते थे, in the round shaped houses. So that means they used to live in the round shaped houses. Then after rear cattle, they also used to rear the cattle and other animals. And did farming of the bajra and barley. And same in this place also, people used to do the farming activities of which grains, the wheat and the barley. I hope that you have understood the chapter. Please go through the chapter twice. Thank you and have a nice day.